प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करो। आपका भगवान गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है, गीता ज्ञानदाता तो कह रहा है कि उसकी भक्ति करो। वो कौन है मुझे वो बता दो, बस फिर मैं आपके गुरु का चेला। अब धर्मदास की तो आँखें फूल गई, सब भूल गया, कोई जवाब नहीं, बेबाक हो गया, गूंगा और बहरा हो गया, सुन हो गया काफ़ी देर तक। यूँ क्या कही भाई, सच्चाई बिल्कुल सारी। फिर क्या सोचता, क्या कहता है, उसने सोचा बात तो बिगड़गी क्योंकि मन काल है और सत्य से परिचित होकर भी यह नहीं स्वीकारने देता, यह पक्का जाल है। अब धर्मदास ने विषय बदल दिया, कहने लगा हम वैष्णो साधु हैं, हम जीव हिंसा नहीं करते, हम तो तुम्हारे जैसे शूद्र को निकट भी नहीं बैठने देते, तो क्या बातें बना रहा है, और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। अब उसने देख लिया धर्मदास जी ने कि ये मुसलमान है और ये मांस खाते हैं, तो ये एक ट्योंट कस दिया कि हम जीव हिंसा नहीं करते हैं और हम किसी का बुरा नहीं करते, हम ऐसे ऐसे अपने लाग्या बढ़ाई करने। अब परमात्मा ने देख लिया काल ना हल्ला इसके अंदर तो गया नहीं, अंदर ही विद्वान है अभी तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, एकदम अदृश्य हो गए। जब सामने से अदृश्य हो जा आदमी, कलेजा हिल जा आदमी का दूसरे का, वो एकदम स्तब्ध हो गया, पसीने आ गए धर्मदास जी के, और सोचा अब ये तो कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कोई सिद्ध पुरुष था, और कितनी अच्छी बातें कह रहा था, सारी सच्ची, मतलब बड़ा निकम्मा। देख हो सकता है भगवान हो, कहते हैं ना जाने परमात्मा किस वेश में आ जाता है, ये पुरानी कहा था पुनात्मा, तो परमात्मा निराकार क्यों करो यार, जब सारे प्रमाण मिलन लग रहे हो ना जाने किस वेश में कब आ जावे, किस साधु संत के रूप में आ जावे। तो उसने सोचा बात बिगड़ गई सारी ये, और ई भी यू ज्ञान बतानिया कोई पावे को नहीं कि वो भगवान कौन है जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता भी कह रहा है। धर्मदास जी को खूब पता था कोई मंडलेश्वर कोई शंकराचार्य नहीं जानता इस विषय में। अब उसने सोची बड़ी बिगड़ी बात, और भगवान खो दिया हाथ ते। अब सारी रात करवट बदलता रहा, ना भक्ति करने दिल करया, ना सुबह लीपा पोती करी। अब सोची अब क्या करूं, ना उस जोड़ मन आया सुबह उठ के इसे, तो परमात्मा ने उसी समय दिखाया था कि आप कहते हो जीव हिंसा नहीं करता, तेरे लोटे में देख कुछ जल भर के लाया था जिसमें तो नहा आया था तालाब में, देख तेरे इस लोटे में कितने जीव इसके अंदर हैं जंतु, और तू नाता है ना ये रगड़ रगड़ के मार डाले तने, और कहता जीव हिंसा नहीं करता। अब धर्मदास ने सोचा भी इसमें नान का भी कोई फायदा को नहीं,
तो कति बात बिगड़गी। जैसे तैसे उसने स्नान तो किया, कपड़ा छान छून के पानी को, और वक़्त से सोचा रोटी बना और खिसक यहाँ से। अब वो संत मिले नहीं, ये धक्के खाने का कोई फायदा नहीं। उसने वक़्त से उठा, खाना बनाने लगा, लकड़ी कलेक्ट कर रखी थी सामने, उनमें एक मोटी लकड़ी थी, बाकी छोटी सहयोगी लकड़ी लगा के चूल्हा जला दिया, खाना बनाने लगा। और सारी रात बात यही रही है, भगवान एक बार वो महात्मा फिर दिखाई दे, वो महापुरुष फिर मिले, मैं कोई विवाद नहीं करूँगा, बड़े प्यार से ज्ञान पूछूँगा, हे परमात्मा मेरी ये अर्ज अवश्य सुनना प्रभु। ऐसा कहता रहा कहता रहा, और साथ में खाना भी बना रहा, भगवान और संत के साथ विवाद से भी पश्चाताप करता रहा, आँखों से आंसू बह रहे थे कि यह कौन बनी मेरे साथ, ये कैसा ज्ञान मुझे सुनाया, किसने सुनाया, कौन था वो। ऐसे खाना बनाते बनाते क्या हुआ, सूर्य उदय हो गया, सुबह सुबह रोशनी सी शीघ्र हो जाती है। उधर से खाना तैयार होने को हुआ, लकड़ी जलती जलती, वह मोटी लकड़ी अंदर से थोथी थी, उसमें चींटियाँ थी, चींटियाँ ब्याई हुई थी, अंडे दे रखे थे बहुत ढेर सारी थी। जब धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी, जब वो केवल 9 इंच की रह रही थी, बाकी जल चुकी थी सारी, तब उसने देखा, अरे तेरे की क्या देखा कि उस ओलो पॉइंट में, यानी उस थोथे स्थान से चींटियाँ अंडे मुख में लेकर बाहर आ रही हैं, और कुछ थोड़ी सी गीली लकड़ी होती हैं, उनका जलते समय पिछले हिस्से पर कुछ तरल पदार्थ सा उबल रहा होता है, मॉइस्चर उसके अंदर होते हैं, वो बाहर उबल रहे होते हैं, और वो चींटियाँ आगे तो जल रही हैं, अग्नि से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं तो जल रही हैं, उस उबलते हुए तरल पदार्थ पर गिरती हैं लकड़ी के एंड पर, वहाँ जल रही है। उसी समय उसने आव देखा ना ताव देखा, अपना लोटे का पानी डाल दिया, लकड़ी बुझा दी, जितना भोजन बना था वो अलग रख दिया, और सोचने लगे आज तो मैंने जुल्म कर दिया, हे भगवान इतना पाप है, कहाँ रखूँगा इसको मेरे भगवान ने, आज तो मैंने जुल्म कर दिया, इतनी चींटियाँ फूंक दी, इनके अंडे बच्चे भी साथ ही जल गए। अब उसने सोचा कि इसका प्रायश्चित करता हूँ अपनी सोच से, कि आज आहार नहीं करूँगा, मैं निराहार रहूँगा, मैं भोजन नहीं खाऊँगा, इस भोजन को किसी साधु संत भगत भूखे को खिला दूँगा, इस पाप से मेरा छुटकारा हो जाएगा। इस उद्देश्य से लेकर के पूरा सामान रख के भोजन थाली ढक के और चल पड़ा संत की तलाश में। कहते सोचल छिद्र मैं करूँ, परमात्मा कहते कबीर जी अपने जन के काज है, और वहाँ बैठ के साधु संत रूप बना के, जिसको संत मानते थे हम, लाल कपड़े हों, या तो दाढ़ी बड़ी हो, या कति मुंड मुंडा रखा हो, गल में माला हो, तिलक लगा रखी हो, उनको हम संत मानते थे। उसी रूप में हिंदू वाले साधु संत रूप में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, धर्मदास की नज़र गई, धर्मदास जी ने जाकर के देखा महात्मा बैठे हैं, नहीं पहचान सके क्योंकि रूपांतर था। आगे रख दिया उसके सामने आहार रख के, कहा भगवान ए महाराज भोजन पा लो, भूख लगी होगी। परमात्मा ने कहा हाँ भाई धर्मदास जी भूख लगी है, रख दो। अब उसने देखा धर्मदास तेरा नाम बोला, तो उसने सोचा कि मैं भंडारे करता रहता हूँ, ये महात्मा आते ही रहते होंगे, मुझे जानते होंगे। कहा भोजन खाओ महाराज। परमात्मा ने क्या किया, एक लोटा रखा था जल का अपने पास, उससे थोड़ा जल लिया और थाली में रखे भोजन पर मंत्र बोलकर छिड़क दिया, एक मंत्र सा बुदबुदाया। कुछ ही देर में क्या देखा कि सारे भोजन की चींटी बन गई और काली थाली होगी, चींटियों से अंडे मुंह में लेकर थाली से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तब परमात्मा उसी जिंदा वाले महात्मा के रूप में विराजमान हुए, वही रूप बना लिया और कहा रे अन्यायी, आप कह रहे थे कि मैं जीव हिंसा नहीं करता, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ये पाप का भोजन तो मुझे खिलाने लाया था। जब धर्मदास जी ने देखा कि तू तो वही महात्मा है, चरणों में पड़ गया, पैर पकड़ लिए, रोए बुरी तरह कि महाराज माफ़ करो मुझ पापी अपराधी को, मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई भगवान,
मुझे कुछ और ज्ञान सुनाओ। तब परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाया, सृष्टि रचना सुनाई। अब फिर वागी बात वहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश पे कि ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो धर्मदास जी ने फिर दोबारा एक बार फिर थोड़ी सी मन में दोष पैदा कर लिया और कहा, महात्मा जी देखो आपकी बातों को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन श्री राम कृष्ण से ऊपर मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती कि इनसे ऊपर भी कोई परमात्मा हो सकता है। भगवान ने सोचा काल तो अभी भी पंजे गाड़े बैठा है इसके अंदर और निकला नहीं, परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गए। सारी कथा सुनकर सारा ज्ञान सुना दिया, आत्मा मान रही है लेकिन ये पुराना रंग हृदय से उतरता नहीं और यही हमारा शत्रु है। अब धर्मदास जी ने देखा कि तो फिर अब तो कभी नहीं मिलेगा, मैंने तो जुल्म कर दिया। अब वह गलती बढ़ने के बाद उसको पश्चाताप बहुत हुआ, रोता रहा, रोने लग्या बुरी तरह। अब ना तो वृंदावन जाने को दिल करा, ना बरसाने को। अब सोचा कि चल वापस घर को चलते हैं, अब ये तो धक्के खाने हैं धर्म स्थानों पर, यहाँ कोई लाभ नहीं, पुण्य है नहीं, पाप निरा। तो परमात्मा ने उस दिन उसको बहुत कुछ समझाया था कि बांधोगढ़ से चलकर आए हो धर्मदास कहाँ जी, और मथुरा तक आने में कितने पाप कर दिए तूने, कितनी दूरी है मथुरा से बांधोगढ़ की। धर्मदास जी ने कहा कि लगभग 250 कोस, लगभग 600-700 किलोमीटर। तो वहाँ से यहाँ तक आने में कितने जीव मारे आपने, पैदल आए हो कहाँ जी, तो वो आपके बैड अकाउंट में लिख दिए गए और पुण्य एक भी कोई ना इस जोड़ में नहाने का, इस तालाब में नहाने का, इसमें पहले मछली कछुए कितने पड़े हैं, ये मोक्ष नहीं हो जाते, तेरे आने तो पहले भी इसके अंदर स्नान कर रही है तो बोली आत्मा। तो इस तरह का बहुत सा ज्ञान परमात्मा ने उसको दिया था। उस आधार से उसका हृदय हट गया कि ये तो सचमुच गलत साधनाएं हैं या बात बनी नहीं। अब फिर क्या हुआ, रोता हुआ घर को चल पड़ा। अब उसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने ज्ञान दिया उसके आधार से कुछ वाणी सुनाते हैं। दर्जन देका रूप सैल वृंदावन की नी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी, बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर्शत गुरु का रूप धनी उतरे है लोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा के अंदर, और उनको भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, अपने ही खेतों में, ये किसान यानी जाट जाति में जन्मे थे गरीबदास साहिब जी, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के थे, और भी बहुत से बड़ी उम्र के पाली ग्वाले थे। तो वहाँ परमात्मा आए थे सतलोक से चलकर जिंदा महात्मा रूप धारण करके, और उस दिन भी उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया था। फिर गरीबदास साहिब जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े थे, उनको चिता पर रख दिया था मरा हुआ जानकर, मृत जानकर। उसके बाद चिता से उठकर चल पड़े थे, अग्नि नहीं लगाई थी तब तक। तो उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा की समर्थता, और फिर उनकी दिव्य दृष्टि परमात्मा ने खोल दी थी। उन्होंने अपने उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से फिर परमेश्वर कबीर जी की महिमा को कलम तोड़ बोला। अब जैसे श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण जो लाखों वर्ष पहले घटना घटी थी वो सारी चित्रात कर दी अपनी लैंग्वेज में लोकोक्तियों के माध्यम से, राज सबको मान्य है वही की वही और वो सच्चाई है। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सब पहले जो भी मालिक की लीलाएं हुई थी वो सब लिखवा दी, बोल दी, जो आज दास आपको पढ़कर सुना रहा है। दिव्य दृष्टि का अंतर होता है। दिव्य दृष्टि क्या है, जैसे दूरदर्शी होती है, दूरदर्शी यानी दूरबीन बोलते हैं, उसका रेंज होता है, कोई तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक का देख सकती है, एक देख ले 100 किलोमीटर का,
तो ऐसे इनमें रेंज का अंतर होता है, अक्षमता का अंतर होता है। ऐसे ही गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो बहुत पावर की थी, उन्होंने लाखों वर्ष पहले की और कई अरबों युगों पहले की सृष्टि तक की रचना को एज इट इज सुना दिया जो भगवान ने बताया था। तो क्या कह रहे हैं, अपरमात्मा से परिचित थे ही वो, उन्होंने क्या कहा, बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोही, दर्शत गुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। सतगुरु का रूप धरके, एक तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके, धनी, धनी माने खुद मालिक, सबके मालिक, धनी माने मालिक, सबके मालिक, वो धनी उतरे हैं लोई। वो परमात्मा कबीर जी आए थे, धर्जंदे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। धर्मदास जी बहुत प्यार से बोला करते थे, भगत थे वो, परम उजागर रूप ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कामी। परमात्मा ने देखो पुण्यात्मा, वो हमारे मालिक हमारे लिए कितने भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, हमें अपनी शरण में लेकर के सुख देने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए, आपका सर्व संकट नाश करने के लिए आपके निकट आना चाहते हैं, लेकिन हमने ज्ञान गलत ग्रहण कर रखा है जिस कारण से हम भगवान को पहचान नहीं पाते। परमात्मा ने आकर क्या कहा, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। धर्मदास जी को, उस जीव को, 2 करोड़ी के जीव को वो परमेश्वर आकर कहता है, कहाँ से आए स्वामी, हे स्वामी जी। स्वामी का अर्थ क्या होता, मालिक। हे स्वामी जी, हे मालिक, कहाँ से आए आप। और जब उसने सीधा बोले तो वो सुने नहीं, क्योंकि उसमें तो काल भरा था पूरा। तो क्या बोलते हैं परमात्मा, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। पूछे धनी कबीर साहेब निकामी, उसका कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी हमारे लिए भटकते रहते हैं। अब धर्मदास जी बताते हैं, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही, सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचार, अमरी करणी जो करे उतरे भवजल पार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक वर्णन किया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल सदग्रंथों के स्वाध्याय करके ही करता रहता है, कोई योग आसन ही करता है, कोई अहिंसावादी यानी तीक्ष्ण व्रत धारण करता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई किसी प्रकार से साधनाएं करता है, कोई हठ योग करता है, घोर तपस्या करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को, उपासनाओं को पाप नाश करने वाली मानते, यानी श्रेष्ठ मानते। तो ऐसी धर्मदास जी बताने लग गया कि जो हम बतावे ना, ऐसी क्रिया कर ले, उसका मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। सुन जिंदा मम ज्ञान को, धर्मदास जी कहते हैं, हे जिंदा महात्मा, हे जिंदा, सुन मेरे ज्ञान को, अधिक आचार विचार, अमरी करनी जो करे उतरे भव जल पार। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। परमात्मा कहते हैं बोले धनी कबीर, वो मालिक कबीर बोले, धनी सबके मालिक, कुल के धनी, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। कौन कौम कुल जात कहाँ को गमन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है, कौन गुरु बनाया आपने,
कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई, किस भगवान की सेव माने पूजा करते हो और कहाँ समाधि लगाते हो तुम, को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, साल्यग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। आपका कोई निश्चित स्थान है कहीं, कोई गुफा में रहते हो या ऐसे ही रमते राम हो, घूमते फिरते रहते हो, और शालिग्राम आपने ले रखा, बहुत वजन उठा रखा है मूर्ति का, झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कइयो ब्रह्मचारी, हमको पार लंगावे ही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। देख परमात्मा ने कहा कि हमको पार लंगाइयो, हमारा उद्धार करियो, हमें पार करियो, आप तो बहुत अच्छे महात्मा नजर आते हो। हमको पार लंगावे ही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। जिंदा महात्मा के रूप में कहते हैं कि हमारा बेड़ा पार करियो, आप तो बड़े पहुंचे हुए नजर आते हो। अजय न्यू ना कहें तो परमात्मा वो सुने नहीं, भाग जा उठ के। अब उसको सुनाना भी था और फिर उसके अंदर का वो मवाद भी निकालना था जो गंध भर रखा था ज्ञान का। अब धर्मदास जी क्या बताते हैं, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जे, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैश्य कुली कुल जात सुदर की बात सुनी जय। मेरा वैश्य कुल में, मेरी जात है वैश्य कुल में, यानी बाणिया घर में मेरा जन्म है, हम सुदर से बात नहीं करते, छोटी जाति वालों से दूर रहते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणा की पढ़ाई हुई पढ़ाई वो पढ़ रहा था। शरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्लागिरी छिड़कंद संत सब पूजू देवा, 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए, धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटत है पूजे शंकर से सा। अब अपनी विधि बताने लगा है कि हम क्या क्या करते हैं, 68 तीर्थ पर स्नान करते हैं और राम कृष्ण का जाप जपते हैं, नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, हार उडम्ब राग और की मानू नाही। कहते मुझे तो फाइनल हो रहा है अपनी भक्ति, ओके है मेरा, कति आरूढ़ हूँ अपनी भक्ति पर जो गुरु जी ने ज्ञान दे रखा, मैं और की ना मानू, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ राग और की मानू नाही, सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमार, 68 तीर्थ हम किए चीना सिर जनहार। के हमने 68 तीर्थ कर लिए मैंने, और दूसरा राउंड लगा रहा हूँ और मैंने भगवान पा लिया, हमने जान रखा भगवान कौन है, श्री राम श्री कृष्ण। बोले जिंद बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का दाम मुझे तत्काल बतावे, राम कृष्ण कोटों गए, कबीर साहब ने बताया राम कृष्ण करोड़ों मर गए, और धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से ये बूझो ज्ञान विवेक। अब ये तेरे राम कृष्ण करोड़ों मर लिए और वो धनी एक का एक, अगर जरा सा भी विवेक रखता है तो उस ज्ञान को बूझ मेरे ते, अनंत कोट ब्रह्मांड रचित सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचारे। अनंत कोट ब्रह्मांडों की रचना करके इनसे अलग सतलोक में विराजमान है उसका विचार कर। बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। अब देखो अपने पिता के साथ विवाद कर रहा है वो बोली आत्मा, हम ऐसे गिर गए अज्ञान युक्त होके। अब परमात्मा तो उसको स्वामी जी कह रहे हैं और वो स्वामी जी बिना बैठा दो कौड़ी का जीव, और क्या कहता है, तुम कहाँ से आए प्राणी, हे जीव तू कहाँ से आया। धर्मदास जी कह रहे हैं भगवान को, बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी।
अब धर्मदास जी कह रहे हैं सरगुण सेवा सारे है, सेवा माने पूजा, सरगुण जैसे मूर्ति पूजा करते हैं भगवान की बना करके, सरगुण सेवा सारे है निर्गुण से नहीं नेहे, सुन जिंदा जगदीश तू हम शिक्षा क्या दे। अब परमात्मा क्या कहते हैं, बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालक ये सब हमारा प्रकाशा, हम खालक रचने वाले, हम खालक और ये खलक सब हमारा बना हुआ है, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। हमसे चंद्र सूर हमसे ही पानी और पवना, हमसे धरणी आकाश रहे हम चौदह भवना, हम रचे सब पाषाण नदी ये सब खेल हमारा, अचराचर बहु खान बनी बहुविध अठार बहारा, हम सृष्टि संजोग वियोग बिजोग किया बहु भांति, हम ही आद अनंत हम हैं अवगत के नाती, हम ही माया मूल हम ही हैं ब्रह्म उजागर, हम ही अदर बस हैं हम ही हैं सुख के सागर। अब भगवान ने सारा वेद खोल दिया, पर हम तो बाल बुद्धि के हो गए अज्ञान ग्रहण करके, परमात्मा सामने बैठे हैं और कह रहे हैं कि सब मैंने रचा है, ये जिन पत्थरों की मूर्ति तू लिए फिरता ये पत्थर पाड़ मैंने रचे हैं, तू हमारी पूजा कर इनको त्याग दे भाई। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रूप हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, और दीखत पिंड और प्राण कहो तुम अलक अबेवा। एक तो तू परमात्मा कहता है, तेरे सारा शरीर दिखाई देता है, वो भगवान तो निराकार है, जैसा यू घोट के प्याला रखी हमारे से अज्ञान की भांग, उस आधार से कहता है कि तू भगवान कहता अपने आप को, धर्मदास बोल रहा है, अरे तू तो साकार दिखाई देता है, बोलता है, तेरा खाना खाता है, सब कुछ है। नादबिंद की दे शरीर प्राण तुम्हारे, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण, तेरा शरीर दिखाई दे, सांस लेता दिखे, और तू कह अपने आप को अलग बेवा। नादबिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे, तू बात करे बड़ी बड़ी भगवान कह, पर मेरे जचती नहीं तेरी बात, दिल में नहीं समाती, मेरे गले नहीं उतरती। खान पान अस्थान देह मैं बोलत दीसम, कैसे अलक स्वरूप भेद कहिए जगदीशम, किस प्रकार तू भगवान है मुझे वर्णन कर। बोलत है जिंद अबंध सकल गट साहेब सोई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा। कबीर साहब कहते हैं हम ही बांधे से तू चढ़े संग पदम अठारा, हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही दस सिर का मारा देवताओं की बंध छुटाई। अब परमात्मा कहते हैं तुम जिस राम श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित हो, जब श्री रामचंद्र जी हार चुके थे, थक चुके थे, रावण मर नहीं रहा था, और जब जीव हार लेता है परम पिता को याद करता है, कोई परम शक्ति है, तो उसके पूर्व संस्कार उस पूर्ण परमात्मा स्वयं जाते हैं और गुप्त रूप में कहते हैं हमने ही रावण मारा था, राम के बस का ना था वो मारना, और समुद्र पर पुल भी राम से नहीं बना था, 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर के श्री राम प्रार्थना कर रहा था समुद्र से रास्ता दे दे रास्ता दे दे, उसने रास्ता नहीं दिया, जब मारना चाहा तो समुद्र रूप बाहर आया ब्राह्मण रूप में। फिर उसने बताया था कि आपकी सेना के अंदर नल और नील नाम के दो संत हैं, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई शक्ति है, उनके हाथों से पत्थर डूबते नहीं, उनका सहयोग ले लो। उस दिन उस नल और नील में भी अभिमान आ गया था, उन्होंने भगवान को याद ना करके, गुरुदेव को याद ना करके सीधी प्रभुता दिखानी चाहिए थी, वो पत्थर डूब गए थे, उनके हाथों से तरे नहीं थे। तब परमात्मा स्वयं गए थे वहाँ पर, मुनिंदर रूप में आए हुए थे, ऋषि रूप में कबीर जी सतपुरुष, तब रामचंद्र जी ने देखा, नल नील ने कहा कि देखो हमारे गुरु जी आ गए, इन्होंने हमें ये शक्ति दी थी। तब श्री राम ने प्रार्थना की थी संत मुनिंदर ऋषि जी से, परमेश्वर से, कि हे भगवान, हे ऋषि जी, अपने भक्तों को तो अब शक्ति दे सकते हो, आप तो परम शक्ति युक्त हो, कुछ रजा बख्शो। ऐसे ऐसे सारी अपनी कहानी दुख भरी बताई कि ये ऐसे ऐसे हो गया हमारे साथ, समुद्र पर से जाना अनिवार्य है। तब परमात्मा ने कहा, एक सोटी ले रखी थी भगवान ने, एक छड़ी,
कहा कि आ जाओ मेरे साथ साथ। एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ रेखा अंकित कर दी कि इसके बीच बीच के पत्थर उठा लो, ये हल्के कर दिए हैं। तब वो पत्थर उठाए गए और फिर वो पुल बनाया गया था। पुण्यात्माओं, सच्चाई से हम कोसों दूर हैं, सच्चाई का हमें पता नहीं। कहते जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब क्या बताते हैं, हम ही रावण मार लंक पर करी चढ़ाई, हम ही दस सिर मारे देवता की बंध छुटाई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, और हम ही बांधे सेतु यानी पुल हमने ही बनाया था, और चढ़े संग पदम 18। बोलत धर्मदास जंद जननी को थारी, कौन पिता प्रवेश कौन गति रहन अधिकारी, क्यों उतरे कल माही कहो सब भेद विचारी, तुम निज पूर्ण ब्रह्म कहाँ अनपान आहारा, कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, तुम व्यापक कल माही तो कहाँ साहेब रहिए, जिंद कहे धर्मदास सुनो सतगुरु की बाणी, हम ही संत सुजान हम हैं सारंग पाणी। आगे क्या बताया, हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर दे समझ बाणी सुर ज्ञान। अब परमात्मा वही बात बोल रहे हैं जो वेद बता रहे हैं कि हम उतरे तुम काज तुम्हारे लिए तेरे लिए उतरा पुण्यात्माओं समझाने के लिए, और सुन से उस सतलोक से जहाँ और कोई नहीं परमात्मा रहते हैं उन उस आसपास जो सुन स्थान से पार, वहाँ से यानी सतलोक से किया पियाना, वहाँ से प्रस्थान करके आया हूँ मैं सतलोक से तुम्हारे कारण। हम उतरे हम अवतरे हम नीचे आए उतरे, हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर दे समझ बानी सुर ज्ञाना, निरख परख कर देख नहीं भौतिक हमरे काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। अब परमात्मा कहने लगे देख मेरा मेरा शरीर टच करके देख, ये तेरे जैसी ये आडचाम का शरीर नहीं मेरा। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा कि शुक्रम अकायम ऐसनाविरम वो कबीर मनीषी, उस परमात्मा की काया शुक्र से बनी हुई नहीं, माता पिता के योग से नहीं है, ऐसनाविरम अकायम उसके शरीर के अंदर स्नायु नहीं है, नाड़ी तंत्र नहीं है। तो यहाँ परमात्मा भी कह रहे हैं नहीं नाद नहीं बेंद नहीं पांच तत्व आकारम, मेरा पांच तत्व का शरीर आकार नहीं है। गुड़िल्ला ज्ञान अमान हंस उतारू पारम, नरक परख कर देख नहीं भौतिक हमरे काया, हम उतरे तुम काज मेरे कुछ मोह न माया। कि मैं कोई मोह माया में नहीं हूँ यहाँ पर, ना किसी लालच में तेरे पास आया हूँ, और नरक पर कर देख हमारे पंच भौतिक काया नहीं है। गगन सुन में धामे है वो अवगत नगर नरेश, गगन सुन में सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर हमारा धाम है, अगम पंथ कोई जाने नहीं ये खोजत शंकर से हेस, ये तुम्हारे भगवान भी खोज रहे हैं उसको वहां तक ये पहुंच नहीं पाए। बोलत है धर्मदास सुनो सतगुरु सैलानी, निरख परख से न्यार भेद कहू अकल अमानी। परमात्मा कहते हैं ना मैं जन्मू ना मैं रू ना मैं आउन जाही, जन्म मरण का आना जाना मेरे नहीं है, शब्द भी हंगम सोने में ना हमरे धूप न छाही। बोले जंद सुनो धर्मदासा हमरे पिंड प्राण निश्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए मादर पिदर ना जननी जाए। कहते हैं बोले जंद जंद रूप में जिंदा रूप में बैठे भगवान कहते हैं सुनो धर्मदासा हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा, हमारे शरीर में श्वास नहीं है, हमारा तुम्हारे जैसा पिंड नहीं है शरीर नहीं है, हमारे तुम्हारे जैसा पिंड यानी शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, श्वास नहीं है, गर्भ योनि में हम नहीं आए, हम किसी माँ के जन्म नहीं लिया, मादर पिदर ना जननी जाए,
हम किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ मेरा। शब्द स्वरूपी रूप हमारा क्या दिखलावे आचार विचारा। अब जैसे धर्मदास ने कहा था कि मैं जीव हिंसा नहीं करता, परमात्मा याद दिलाते तुम कितना पाप करते हो दिन भर में। सत्य ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देव नेता, जो तुम चौका देते हो लीपते हो जितने पोर्शन को और वहाँ खाना बनाते हो, इसमें इतने जीव हिंसा हो जाती है सूक्ष्म प्राणी। जैसे सत्य ब्राह्मण की हत्या कर दियो इतना पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा जाता है। सत्य ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देवो नेता, ब्राह्मण से हत्या जो होई जल स्नान करत हो सोई। और 1000 ब्राह्मण की हत्या इतना पाप लगता जब तुम इस तालाब में इस मथुरा के जोड़ में नहाते हो, इसे तीर्थों में मसल मसल कर रगड़ रगड़ के ना जाने कितने जीवों का नाश कर देते हो। अपने साफ जल में नहाओ, घर बैठ के धक्के खाते फिरो ऐसे। ना कोई गीता में लिखा ये 68 तीर्थ करना, गीता में लिखा हरे राम हरे कृष्ण सीता राम राधे श्याम मिला दे, गीता जी पढ़ते हो और उसके भी विपरीत साधना करते हो भगवान के, तुम अपराधी बन गए हो। भगवान का नियम तोड़ दिया है, शास्त्र भी दीता कर बनमाना आचरण कर रहे हो। अब धर्मदास सुन हो गया अपने आत्मा। जब दूसरी बार भगवान अंतर ध्यान हुए उसके बाद वो रोता हुआ चल पड़ा। अब यहाँ थोड़ी सी जीव हिंसा गिनाते हैं कि सत्य ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देवो नेता, ब्राह्मण से हत्या जो होई जल स्नान करत हो सोई। पृथ्वी ऊपर पगजो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे, तुम सैर सपट्टा करते हो काम बस जाते हो या तीर्थ पर आते हो, एक दिन में करोड़ ब्राह्मण की हत्या कर देते हो इतने जीव। करोड़ जीव एक दिन में मारे घूमन फिरन में एक करोड़ों जीव मार देते हो और वो तुम्हारे बुरे अकाउंट में लिखे जाते हो। और इस तालाब में इस तीर्थ मान का पुण्य तो एक भी कोनी, क्योंकि गीता में प्रमाण नहीं तो वो यूजलेस है, वो दंत कथा है। और तुम पाप नरे इकट्ठे कर लिए बहुत गने, तो पुण्यात्मा ये मार्ग ठीक नहीं। फिर क्या बताते हैं, कते खान पान में दमन प्राणी कैसे पाओ मुक्त निशानी। तुम कहते हो ना अभी हम जीव हिंसा नहीं करते और रोटी खाते हो, खान पान में भी बनाते समय जीव जले और खाते समय जीव मरे, तो कहते तुम कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे इस तरीके से, और जो मंत्र हैं तुम्हारे वो यूजलेस हैं, वो गीता जी में प्रमाणित नहीं है। अब क्या बताते हैं, अब धर्मदास जी जो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए दूसरी बार, फिर बुरी तरह रोए, हे भगवान ये तो बहुत बुरी बनी है परमात्मा। तामा रोवत धर्मनी नागर कहाँ गए मेरे सुख के सागर। जब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए तो फिर रोने लगा धर्मदास। फिर जो परमात्मा ने सारा ज्ञान दिया तो उसके बाद उसने फिर भी खरपतवार रहा। तीसरी बार जो परमात्मा अंतर ध्यान हुए तब उसने क्या कहा, धर्म कह सुन जिंद तुम हम पाए दीदार, गरीब दास नहीं कसर कुछ उगड़े मोक्ष द्वार। फिर क्या कहता, त्रिदेवन की महिमा अपारम ये है सर्वलोक करतारम। अब वो अंदर का गंध फिर उछल गया, उसके अंदर भरा हुआ था ज्ञान। क्या कहता, त्रिदेवन की महिमा अपारम ये है सर्वलोक करतारम, सुन जिंदा क्यों बात बनावे झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवत हूँ विष्णुनाथ मुरारी, गौरी शंकर गणेश मनाऊं इनकी सेवा सदा चितलाऊं। जब उसने तीसरी बार ये बकवाद करी, परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी लिखते हैं, तावाली न बहे निर्वाणी मगन रूप साहेब सैलानी। कहते हैं फिर परमात्मा तीसरी बार अंतर ध्यान हो गए, छुप गए, तावाली न बहे निर्वाणी और मगन रूप साहेब सैलानी। अब फिर क्या करते हैं धर्मदास जी, वापस चल पड़े घर को, कहते हैं तामा रोवत धर्मनी नागर कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अब ये मन बकवाद अवश्य कर देता है, वाद विवाद बहुत करता है। जब इसको परमात्मा मिलने के चांस होते हैं ये अड़ियल घोड़े की तरह अड़ जाता है। और पहले किसी ने जैसी भी लोक वेद दंत कथा सुना रखी है सहर स्वीकार कर ली नो बैठ के, हाँ सही है और यहाँ सच्चाई बताई जाती है, यूँ खड़ा हो जाता कति ऐसे घोड़ा अड़ के खड़ा हो जाता है, नहीं ऐसे कैसे
और जब सारा डंगा इकट्ठा करें फिरे थे, कोई कुछ भी कह देता था वो स्वीकार्य था, क्योंकि इसको पता लग गया कि यहाँ आते इसका कल्याण हो जाएगा, इसलिए सैकड़ों खरपतवार भर देता है, खुरापात भर देता है, खड़े कर देता है। लेकिन ये समर्थ है परमात्मा, हमारा परमात्मा मालिक है, ये कोई भी शंका इस मन के नहीं छोड़ेगा, आखिर में इसकी दे ही तोड़ेगा। कहते तावालीन बहे निर्वाणी मगन रूप साहेब सैलानी, तावा रोत धर्मनी नागर कहाँ गए मेरे सुख के सागर। फिर रो रहा है और कह रहा कहाँ गए सुख सागर, भूल लगी दाताम से, मैंने बहुत बात विवाद कर दिया, बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जी हूँ सुनो विधाता, हम जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंध गरकूपा। हे परमात्मा, मैंने तो आपके साथ बात विवाद किया, हमारी बुद्धि तो अंधेरा कुआ है, जेरा कुआ है, जिसमें प्रकाश नाम की चीज नहीं, और हमने आपके साथ बहुत विवाद किया, अक्षमा करो मेरे मालिक। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवों सुनो विधाता, हम तो मानुष रूप तुम जान्या, सुन सतगुरु का किया पियाना। मैंने तो आपको एक मनुष्य समझा था, अब कहाँ चले गए भगवान, एक बार मुझे बता दो, मैं वहीं आ जाऊँगा। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं नहीं जीवों अविगत राया, तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं ना जान्या लीला थारी, तुम अवगत अवगना सी साई, फिर मोको कब मिलो गुसाई, कमर कसी धर्मदासे को पूर्व पंथ पियान, गरीबदास रोवत चले बांधोगढ़ अस्थान, कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजो है। कल्प करे यानी कल्प रहा है, कल्प रहा यानी तड़फ रहा अंदर अंदर, और कल्प करे और मन में रोवे, और दसों दिशा को वो मगजो है, दसों दिशा को देख रहा है, कभी पीछे आगे, भगवान कहीं छुप तो नहीं रहे, यहीं आसपास तो नहीं छुपे बैठे हैं, और मिल जाए तो मेरी बात बन जावे। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे, चारों तरफ देखे कहीं ऊपर तो आकाश में तो नहीं है, तो इस तरह वो अपने घर आ जाता है। अब घर पहुंच गया तो उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, उसने पूछा कि भगत जी कैसे वापस आ गए, आपने तो अभी बहुत समय लगाना था, आ गए आप 15-20 दिन में, 10 दिन में, आपका तो 2-3 महीने का टूर प्रोग्राम था, कई तीर्थों का चक्कर था आपके, और धर्मदास रो रहा है, बोल नहीं पा रहा, ऐसा वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती, इतना दुख हो गया उस पुण्यात्मा को भगवान के भी छोड़ने का, और अपनी नादानी का कि मैंने जुल्म कर दिया, वाद विवाद करके अनमोल रतन हाथ से खो दिया, अब इतना बुरी तरह रो रहा है, जिस बालक के माता पिता दोनों मर जाते हैं, और टक्कर मार मार कर रोता है, जुबान बंद हो जाती है, ऐसी स्थिति में घर पहुंच गया, आंसुओं से सब कमीज भीग गया। उसकी पत्नी ने सोचा भगत जी बोल नहीं रहे, क्या बात है, और इतना शीघ्र आने का कारण उसने स्वयं अपनी बुद्धि से सोचा कि लगता है इनका किसी ने धन लूट लिया, जो पैसा यात्रा में लेकर गए थे खर्च, वो किसी ने इसका ठग लिया, चोरों ने चोरी कर ली दिखे, और इसलिए रो रहा है, क्योंकि आमनी देवी जो श्री धर्मदास जी की धर्मपत्नी थी, उसको मालूम था कि मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ, और भगत जी धर्म में दोनों हाथों से पैसा खर्च करते हैं, तो आमनी देवी कई बार टोक दिया करती थी कि धर्म हिसाब का किया करो भगत, बच्चे भी पालने हैं, जबकि धन की कोई कमी नहीं थी उनका, एक नेचर हो जाती है हमारी। तो उस आधार से उसने सोचा कि कहीं भगत जी इसलिए रो रहा हो कि मैं ही टोका टाकी करूँगी, इसने नाटूँगी कि और पैसा ना ले जा, बतेरे हो गए तेरे धर्म कर्म, तो इसलिए रो रहा हो, कहीं मेरा काम अधूरा रह गया, और या ही ना नकुर करेगी, मानने को नहीं। तो उसने कहा हे भगत जी, आपका किसी ने धन लूट लिया, कोई बात नहीं, आप कितना धन ले जियो, मैं मना नहीं करूँ कती आपको, मेरे कारण दुख ना पाओ, और भगवान ने कोई कमी छोड़ रखी, तुम्हारे इतना धन दे रखा, और ले जाइयो धन, अपना काम पूरा करके आओ।
अब वो रोता रहा और उसकी सुनता भी रहा बहुत बुरी तरह। काफ़ी देर में जाके उसका हिचकी बंद हुई, धीरे धीरे रोता हुआ कहने लगा कि आमनी यदि ये भौतिक धन मेरा नाश हो जाता मुझे कोई दुख नहीं था, और ले जाता मैं तेरे से प्रार्थना करके, इसका दुख मुझे नहीं था। मेरे से आज ऐसा धन हाथ से चला गया, अब शायद मुझे वो मिले नहीं, मैं इतना नीच हूँ और मैंने ऐसे ऐसे उस महापुरुष के साथ ऐसी जलालत कर दी, और तीसरी बार उसके साथ मैंने विवाद करके हाथों से खो दिया, अब वो मिले निर्मय जीव नहीं। फिर उसने शायद धीरे धीरे जब शांत सा दिल हुआ, आमनी जी को सारी पिछली जो घटना थी सारी सुना दी। आमनी ने कहा कि आप तो बुद्धिमान व्यक्ति थे और लाला जी तो बिजनेस में माहिर होते हैं, आप इस सौदे को कैसे चूक गए? रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, ज्ञान उन्होंने से सुना था ये भगवान है, तीन को मानन लायक गए थे, हमने तो भगवान चाहिए था और आपने विवाद नहीं करना चाहिए था। अजब ऐसी कथा सुना रहे हो, प्रमाण बता रहे हो, और गीता में हम रोज पढ़ते हैं, वो बता रहे थे कि वो भगवान तो कोई और है, गीता बोलने वाला स्वयं कह रहा है, फिर भी आपकी आंखें ना खुली। तो धर्मदास कहता है कि जिंदगी में पहली बार हार का सौदा करके आया हूँ मैं, आज तक मैं हारा नहीं था, घाटे का बिजनेस किया नहीं था, हमने इसलिए रो रहा हूँ, मैं जालिम व्यक्ति हूँ, उस परमात्मा का क्या स्वार्थ था, अब रो रहा हूँ, उसमें मेरे दिन अभिमान भरा था, मैं महात्मा बन गया, ये महात्मा अपना ले डूबा, मैंने मुझे ले डूबा। अब 6 महीने बीत गए, डेली रोए और बाहर बैठ जा दरवाजे पर ऐसे जैसे बेलनी ने श्री राम की जो है बाट जोई थी ऐसे देखे, और कहीं वो महात्मा कोई भी नजर आ जा भाग्या जावन, और नजदीक सी जाके देखे अक ना वो थको ना, फिर बुरी तरह रोए, खाना पीना छूट गया, कति कमजोर शरीर हो गया, आसपास जहाँ भी कोई साधु संत का जिक्र सुने जंगल में आसपास नगर के कहीं आकर बैठ जाते थे संत जन, वहाँ जाता उनसे बात करता, एक दिन पता चला बहुत अच्छे महात्मा आए हैं, बड़ा ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, बनी में बैठे हैं वहाँ, ऐसे ऐसे तालाब के ऊपर वहाँ गए, प्रणाम किया, उन्हें देखा हो सकता है रूप बदल कर आ गए हों, उसने पहचान के लिए प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती है? तो उस महात्मा ने कहा नहीं, वो तो अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, जान गया कि रोंग नंबर, ने बोला कि ये तो कौनी रोंग नंबर है, तो क्यों वो ये बोली बोला जो हम पहले गुण गाया करते सुनते थे, उठ के आ गया फिर रोया खूब। एक दिन परमात्मा ने प्रेरणा करी उसकी पत्नी के अंदर, आमनी ने पूछा कि एक बात बता, ऐसे तो आप रो रो कर मर जाओगे, कोई बात चली हो आपकी चर्चा में, उन्होंने कुछ हिंट दिया हो, वो कैसे मिलेंगे, फिर कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं? धर्मदास जी को याद आई कि हमारी चर्चा में उन्होंने ये जरूर कहा था कि जहाँ भी धर्म भंडारे होते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, धार्मिक जो भंडारे किए जाते हैं वहाँ मैं अवश्य जाता हूँ, और कोई भगत संत मिल जाता उसको समझाता हूँ। तो आमनी ने कहा आप भंडारा ही कर लियो, इसी तरह आ जाए मत, उसने खुशी हुई कहा ठीक है, 3 दिन का भंडारा रख दिया, सब जगह निमंत्रण भेज दिया, अब सभी आ रहे हैं साधु संत, भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, वो देख रहा है साधु, वो तो ना आए महात्मा थे। तीसरा दिन हो गया, आफ्टरनून होगी तीसरे दिन की, बाद दोपहर, और मन में संकल्प कर लिया कि परमात्मा यदि आज नहीं आए ना आपका दास नहीं रहेगा संसार में, कति फाइनल कर लिया उसने, औपचारिकता नहीं, कति हृदय में दर्द होगी कि आज नहीं आए तो मैं आत्महत्या करूँगा, फाइनल फैसला करके, और देख रहा है ऐसे ऐसे साधु संत तकरीबन सब खा कर चले गए, 10-20 भक्त शेष रहे थे संत, और धर्मदास बहुत मायूस हो गए थे। उसी समय उसकी दृष्टि पड़ी 100 फुट की दूरी पर एक वृक्ष कदम का पेड़ था,
उसके नीचे वही परमात्मा विराजमान थे, जिंदा महात्मा के रूप में धर्मदास दौड़ कर गए भाग कर। अर्जुन देखा ध्यान तक तो हो ये तो वही आ गए, अरे ऐसे सीने का लपट गए कतीनों, अगदा से अब निकल ना जा मेरे हाथ मत। अर्जुन रो आख्या पानी पड़े, हे भगवान माफ कर दियो पापी को, बड़ी गलती हुई मेरे से, हे भगवान कभी जिंदगी में गलती नहीं करूँगा, कोई बात भी बात नहीं करूँगा, जो आप कहोगे वही करूँगा। तो परमात्मा ने कहा कि इनको मेरा भेद ना बताना और इनको चलते कर दे। परमात्मा ने ये मालूम था कि ये आगे ना ये बात विवाद करने लग जाएंगे सारे साधु संत, और इसने बेचला लेंगे बेचारे ने, फिर इसको ब्रह्म बांट देंगे, मुश्किल तो खेत समारा इसका, तो उनको फटाफट विदा कर दे। धर्मदास कह जी जाना नहीं, अक नहीं जाऊँगा, जाना ना भगवान, अक नहीं जाऊँगा, मेरा वचन है ये। तो फिर उसका दिल सा रुकया, सब साधु संतों को फारिग करा, उनको दक्षिणा विक्षणा दे गए, वो नकलियों को डिगाया, पैर पकड़ के कहा भगवान दास की कुटिया चलियो। परमात्मा तो गए उस उद्देश्य से अंदर जाकर आमनी से अपनी पत्नी से कहा भाग्या भाग्या, वो धन पा गया जिसकी मुझे तलाश थी, आगे गुरु जी आगे गुरु जी महाराज जी आगे। अब एक बैठने के लिए आसन दिया, एक पैर धर्मदास ने पकड़ा एक आमनी ने, आमनी देवी कहने लगी भगवान आपका बच्चा बड़ा नर्म आत्मा का है, आप जी ने इतनी कठिन परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, ये तो बहुत नर्म आत्मा का, ये मर जाता मैं तो इसको सांत्वना देती रही। तो परमात्मा ने कहा बेटी मैंने इसको सजा नहीं दी, इसका लोहा गर्म कराया है, ये पहले वकील पा करा था काल का, और अब इसको लोहे को गर्म कर दिया, लोहे को गर्म किए बिना चोट मारने का कोई यूज नहीं, उस पर असर नहीं होता, अब इसको तड़फ डाल दी और सच्चाई से परिचित भी करा दिया, अब बेटा यूँ कति नरम हो गया, जो कहूँगा मानेगा, ना तो वकील बन गया था काल का, और इसकी रक्षा भी मैंने ही की है बेटा, ना तो मर तो यूँ उसी दिन जाता, इसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, लेकिन इसमें काल घुस रहा था एड्डी तो ले गया चोटी ताई, और ये अज्ञान से ओत प्रोत था। पूरी कथा सुनी, दोनों ने उपदेश लिया, परमात्मा ने कहा भाई फिर आऊँगा मैं कभी। उधर से क्या हुआ कि फिर परमात्मा दोबारा गए, ज्ञान सुना, धर्मदास कहने लगे भगवान आप आपका लोक कहाँ है, कहाँ से आते हो, कहाँ आपका ठिकाना है, एक बार दास को वो दर्शन करा दो, मैं भी आपसे मिलता रहा करूँगा। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब क्या किया, धर्मदास जी की आत्मा को निकाल लिया, धर्मदास जी का शरीर अचेत पड़ा है, श्वास चल रहे हैं, अचेत हो गया, मूर्छित टाइप हो गया, और लेकर चले गए। कुछ देर में आमनी जी ने देखा महात्मा चले गए और भगत जी अचेत हो गए, उसने आसपास के आपके कुल के लोगों को इकट्ठा किया, रिश्तेदार आने लग गए, 3 दिन बीत गए। उधर से परमात्मा ले गए सतलोक में, देख मेरा यूं से ठिकाना भाई, या तेरे पास आया को नहीं जा। जब धर्मदास जी को ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करवाया, फिर अपने सतलोक